तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। तो दोस्तों, बहुत दिन हो चुके हैं मैंने कोई वीडियो नहीं डाली, तो यार आज क्यों ना स्टार्टिंग करते हैं मोरेटोरियम को लेके। जी हाँ, कि काफ़ी लोगों के मन में अभी डाउट है, अगस्त ख़त्म ही होने जा रहा है। आज डेट वैसे भी हो चुकी है 23 तारीख, और जो मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा मैं 24 तारीख को करूँगा, मतलब कल। ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी लोगों के मन में ये डाउट चल रहा है कि यार अब मोरेटोरियम मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इसी के ऊपर हम बात करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों सबसे पहले तो यार सॉरी कि मैं अपडेट नहीं रह पाया, तो अब से कंटिन्यू वीडियो डलेगी, तो सपोर्ट करना ना भूले। आपका भाई आपके साथ है, आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, क्योंकि मैं कुछ दिनों से कमेंट भी नहीं पढ़ पा रहा था जो मैं उसके ऊपर वीडियो बना पाऊँ। तो अब जो मेरे को मिला कि हाँ मोरेटोरियम के बारे में मेरे पास ज़्यादा कमेंट आए हैं कि मोरेटोरियम मिलेगा या नहीं मिलेगा, राजा भाई एक फाइनल वीडियो बना के आप बता दो। तो दोस्तों जैसे कि अपडेट चल रहा है ना, वो अपडेट बिल्कुल ये नहीं कहता कि आपको मोरेटोरियम मिलेगा। तो हमें इसके बाद मतलब कि चलो यार मोरेटोरियम नहीं मिल रहा, बट हमें कोई सुविधा तो दी जाए ना। एक साथ प्रेशर हो जाएगा हमारे ऊपर तो प्रॉब्लम हमें ही हो जाएगी। तो पहले मोरेटोरियम की बात कर लेते हैं। तो देखो गाइस, मोरेटोरियम के अभी हालात नहीं चल रहे, बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला मोरेटोरियम। 50-50 भी नहीं बोल सकता मैं यहाँ पे कि हाँ 50-50% चांसेस लग रहे हैं, तो वो भी नहीं बोल सकता मैं आपको, क्योंकि 90% चांसेस है नहीं मिलने के, तो 10% चांसेस है मिलने के। तो फिलहाल अभी इसको नहीं मान के चलते। तो अब आगे क्या करना है, चलो नहीं मिल रहा मोरेटोरियम आपको, तो अब आगे क्या करना है। तो हमें देखो यार, हमें ना सुविधा चाहिए। देखो आप जैसे कि लोन सेटलमेंट की बात, काफ़ी लोगों के मन में डाउट चल रहा होगा कि यार ऐसे में तो हमें लोन सेटलमेंट ही करना पड़ेगा। तो चलो हाँ, हमें क्या डिमांड करनी कि चलो यार हम सेटलमेंट करवा रहे हैं, क्या बैंक को ये करना चाहिए, आरबीआई को ये करना चाहिए कि सेटलमेंट करके कि उनके सिविल पे भी कोई इफेक्ट ना पड़े, या फिर जो उनके पेनल्टियाँ लगाई गई है वो रिड्यूस हो जाए। ठीक है, या फिर पेनल्टियाँ रिड्यूस हो जाए, या फिर जो इंटरेस्ट लिया जाए पेनल्टियाँ ना ली जाए। बट हो क्या रहा है यहाँ पे, पता है क्या हुआ, जैसे NBFC की बात बता रहा हूँ, NBFC ने एक दिन में 3-3 बार ECS लगाया है। जिसको ECS का नहीं पता उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, फिलहाल मैं शॉर्टकट में बताता हूँ। ECS ये होता है जिसको ऑटो डेबिट कहते हैं, जो आप कटवाते हो EMI मंथली, जो कटवाते हो, जो आप खुद चूज़ करते हो कि मेरे अकाउंट से इतने पैसे हर मंथ कटेगा। ठीक, तो ECS कंपनियों ने जानबूझ के लगाया, पता था कि लोगों के पास पैसा नहीं है। वो आपको एक बारी में ही पता लग जाएगा, अगर आपने एक बार ECS लगाया है तो पता लग जाएगा इस बंदे के अकाउंट में पैसा नहीं है, तो एक दिन में दोबारा लगाने का क्या मतलब बनता है। तो एक दिन में 3-3 बार ECS लगे हैं, काफ़ी कंप्लेंट्स आए हैं, ट्वीट्स भी गए हैं, मेल्स भी गई है, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं आया। तो यहाँ पे जो हमारी मांग है, जो आम पब्लिक की मांग है, जो जनता की मांग है, वो ये है कि यार चलो तुम मोरेटोरियम नहीं दे रहे, बट पब्लिक के लिए कुछ ऐसा करो जिनको सॉल्यूशन मिले, मतलब कि उनको आराम मिले, कि टाइम टू टाइम आराम से किस्ते जाए, उनके ऊपर कोई प्रेशर ना पड़े, कोई लोड ना पड़े, क्योंकि उनको अपनी फैमिली भी देखनी है, बच्चों को भी पढ़ाना है, स्कूल्स हैं, ट्यूशंस हैं, और EMI भी पे करनी है। अब बात यहाँ पे ये पड़ जाती है क्योंकि सैलरी हो गई है लोगों की कम, जो 40,000 कमा रहा था वो बंदा वो 20,000 कमा रहा है, अब उसको वो सारी चीज़ें 20,000 रुपये में मैनेज करनी है, तो कैसे होगा। अब जिसकी EMI 10,000 रुपये की हो, वो 10,000 में घर कैसे चला लेगा, या तो बच्चा पढ़ा ले या फिर घर चला ले। तो यहाँ पे कुछ तो RBI को करना होगा इस चीज़ को लेकर। अगर आप मेरी इस वीडियो से सहमत हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना दोस्तों, कि लोगों को भी लगे कि हाँ एक साथ मिलकर फाइट, आवाज़ अपनी हम रख सके, जिससे हमें हमारा हक मिल सके। तो दोस्तों देखो, मोरेटोरियम तो छोड़ो, अब जिसके पास पैसा है वो पे कर देना, और जिसके पास नहीं है, देखो यार कोई भी बंदा अगर लोन लेता है तो मान लो उसको नीड है, उसके पास पैसे की कमी, तभी उसने लोन लिया है, कोई शौक से कर्जा नहीं लेता। पहली बात, किसी को भी शौक नहीं है कि वो अपने ऐशो आराम के लिए वो कर्ज ले ले, कोई मजबूरी होती है, कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है, तो कोई मेडिकल प्रॉब्लम, कोई पढ़ाई की प्रॉब्लम, कोई होम की प्रॉब्लम, घर मकान पढ़ाई लिखाई इन सब के लिए ही लोन लिया जाता है। अब इस दौरान में यार, तो यही चीज़ है कि आगे ना आप RBI को ट्वीट करो कि हमें मोरेटोरियम चलो नहीं दे रहे, कोई इशू नहीं है, बट हमारे लिए कुछ ऐसा न्यू नियम लेके आओ जो हमारे लिए आरामदायक हो, हम उसको आराम से पे कर सके। ठीक है दोस्तों, अगर आप मेरी इस वीडियो से सहमत हो देन इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर जरूर कर देना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक यू सो मच, आपने इतना सपोर्ट किया।